मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो या फिर टोरेंट का मुद्दा हो या फिर गली नालों का मुद्दा हो। मुंब्रा शहर में अगर आप मुद्दों की तलाश करेंगे तो मुद्दों की भरमार है, लेकिन अपोजिशन इस पे तो सवाल बार बार उठाता है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है क्या इनके सवालों पर वो खरी उतरती है, क्या वो अपना काम पूरा करती है, इसके पूरी जानकारी हम आरिफ इराकी से लेंगे। और आज आरिफ इराकी कुछ खुलासा करने वाले हैं और क्या उनका खुलासा है हम उन्हीं से जानते हैं। आरिफ भाई, आज क्या आप खुलासा करने वाले हो? इस्लामुद्दीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को आपके चैनल पे बुलाया। मुंब्रा के जो फिलहाल जो मुंब्रा की हालत है इसके सिलसिले में जो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुंब्रा के मुद्दों का मसला अगर देखा जाए तो मुंब्रा में मुद्दों की कमी नहीं है। अगर आप शुरू से चालू करोगे, मुंब्रा स्टेशन से अगर चालू करोगे तो कल्याण फाटे तक आपको सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। मगर फिलहाल जो मुंब्रा के अंदर असल और बुनियादी मुद्दा चल रहा है वो है हॉस्पिटलों का, जहां मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं होने के कारण मरीजों का इंतकाल हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इंतकाल हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रशासन है, थाने महानगर पालिका ने मुंब्रा के लिए जो 100 बेड का हॉस्पिटल जो बनाया है उसका डिले जो हुआ है उसके कारण। 2008 या 9 में यही हॉस्पिटल 50 बेड का था, 2009 में उसको 100 बेड का किया गया। उस वक्त इसका जो बजट था 10 करोड़ रुपए का, 100 बेड का 2009 में इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब निकाला गया था तब उसका था 10 करोड़ रुपया। मगर उस वक्त इनके पास फंड नहीं होने की वजह से या उस वक्त के हमारे नगर सेवकों की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। 2013-14 में इसका अप्रूवल हुआ, अप्रूवल के अंदर अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर अभी मेरा जो आरटीआई से जो निकाला गया है उसके अंदर पहला टेंडर उसका 23 अगस्त को जो कॉल हुआ उसके अंदर 47.83 करोड़ का वो टेंडर हुआ जो शोयना कंस्ट्रक्शन को मिला। 12% अबव था तो अप्रोक्सीमेटली उसका 54.80 करोड़ उसका अमाउंट हुआ। 24 मंथ्स के अंदर वो कंप्लीट करना था, इनका कंप्लीशन नहीं हो पाया। फिर 2018 में फिर से एक टेंडर कॉल हुआ 60.61 करोड़ का, 3.3% अबव और वो हुआ इनका 63.40 करोड़। तो ये टोटल आप अगर आप मारोगे तो 54.80 प्लस 61.63.40 ये आपका 108 करोड़ तक जाता है। एक 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए थाने महानगर पालिका 108 करोड़ रुपया देती है, जिसके अंदर उसको 24 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करना है। 2013-2020 सात साल लग गए वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों पे लोड आ गया। आज अगर वो हॉस्पिटल कंप्लीट होता, अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम पीरियड पे अगर वो कंप्लीट करता तो आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लोड नहीं आता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलता। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलने की वजह से हमारे जितने डेथ हुए हैं वो मुझे लगता है कि उसके अंदर हम 60-70% डेथ्स को रोक सकते थे, मगर नहीं होने की वजह से हमारे इधर डेथ्स का रेट बढ़ गया। और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर टाइम पीरियड पे काम खत्म नहीं किया। इनका एक क्लॉज होता है टेंडर्स के अंदर, इनके क्लॉज होता है एस्केलेशन का क्लॉज होता है कि हर महीना जैसे जैसे सीमेंट का रेट बढ़ गया, ये रेट बढ़ गया, लेबर का रेट बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये करके ये एस्केलेशन का इनके टेंडर के अंदर क्लॉज होता है। तो ये जो डिले करने का कारण है ये सिर्फ एस्केलेशन के वजह से ही डिले है, और उधर डिले करने का मेरे ख्याल से कोई कारण नहीं है। 108 करोड़ रुपया थाने महानगर पालिका ने 100 बेड के हॉस्पिटल को पास कर दिया है और 108 करोड़ रुपए रिलीज होने के बाद आज अगर वो हॉस्पिटल नहीं बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो एस्केलेशन का पैसा है उसके लिए ये डिले किया गया। जितना डिले होएगा उतना उसको एस्केलेशन बढ़ के मिलेगा, एस्केलेशन बढ़ के मिलेगा उसको पैसा फायदा है। तो इसलिए जो है ये जो कमी है ये हम प्रशासन की कमी बोलेंगे और वो प्रशासन की कमी की वजह से मौत हुई है। तो आपको क्या लगता है 108 करोड़ रुपया का ये बजट था और हॉस्पिटल अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ, आधा अधूरा है और मुंब्रा में इतनी मौतें भी हो चुकी, तो आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? नेचुरली प्रशासन। हम तो ऑपोजिशन है, मैं तो ऑपोजिशन हूँ, अगर देखा जाए तो हम ऑपोजिशन है
ऑपोजिशन जाके महासभा या मंत्रालय में तो सवाल नहीं कर सकते, ऑपोजिशन जाके अधिकारी का तो सवाल नहीं कर सकते। हमारा काम है कि जो प्रशासन में है, जो सत्ते में है, उनसे सवाल करना कि ये 108 करोड़ का हॉस्पिटल जो थाने महानगर पालिका ने पास किया है वो अभी तक क्यों नहीं बना, ये उनका काम है। आपको क्या लगता है इसमें कुछ गड़बड़ झाला है? गड़बड़ तो इससे तक है, घोटाला तो है ही। आपको मैं क्लियर बोल रहा, एस्केलेशन का है पूरा। 108 करोड़ रुपया मजाक नहीं होता। आप अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पकड़ा जाए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक अगर कमर्शियल बिल्डिंग है उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम 2 से 2500 रुपया। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ झाला है, घोटाला है 108 करोड़ रुपए का, तो आप लोग अपोजिशन के लोग इस पर फिर क्या कदम उठाएंगे? क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इसको लेकर? देखो अगर कैसा है कि हम अपोजिशन है, हम अगर बोलेंगे कि भाई ये ऐसा हो रहा है, तो फिर सत्ताधारी बोलते हैं कि तुम तो खाली फेसबुक पे चलते हो, तुम तो खाली व्हाट्सएप पे करते हो। अब कानूनी प्रक्रिया में जब जाते हैं तो वो कोर्ट का ऐसा मसला है कि कोर्ट का प्रक्रिया करते 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 इतना लंबा हो जाता है। और अगर अगर खुदा ना खास्ता उस पर इंक्वायरी बैठ गई, खुदा ना खास्ता, हमने खुदा ना खास्ता किया, अगर इसके ऊपर अगर इसकी इंक्वायरी बैठे तो उसके अंदर करप्शन जरूर निकलेगा। अगर बैठी तो फिर सत्ताधारी क्या करेंगे? देखे या ऑपोजिशन वाले ने किया, इसके लिए हम हॉस्पिटल दे रहे थे, हॉस्पिटल रुक गया, हम हॉस्पिटल बना रहे थे, हॉस्पिटल रुक गया, हम तो उसके अंदर करप्शन हुआ वो खोलने जा रहे, हमारा 108 करोड़ किधर गया, किधर खर्चा हुआ वो खोलने गए, उसको हमने हॉस्पिटल का काम रोकने नहीं गए थे ना, हम रुकवा रहे। हम तो चाहते कि जैसे कोविड सेंटर आप स्टेडियम में बना रहे हो ना, उधर आपका 5, 10, 25, 50 या जितना भी लग रहा है, वो पैसे में आप हॉस्पिटल के अंदर उतने रूम रेडी कर लो ना, और उसके अंदर कोविड सेंटर चालू कर दो। बारिश का मौसम आ गया, हॉस्पिटल तुम ऐसी जगह बनाए हो जो पिछले साल पूरे मुमरा ने देखा है, मैंने नहीं देखा, मैंने अकेले नहीं देखा, आपके मेरे ख्याल से आपके न्यूज में भी आ रहेगा वो चीज, और मुमरा के बहुत बाकी न्यूज चैनल है उनके न्यूज में भी आ रहेगा वो चीज कि हॉस्पिटल का पिछले साल बारिश में क्या हाल है। जैसे कोविड का अंदाजा नहीं था कि मुमरा के मतलब इंडिया के अंदर कोविड आएगा, कोविड आने के बाद इतनी परेशानियां बढ़ेंगी, वैसे ही बारिश के मौसम का अंदाजा नहीं है कि इस साल बारिश कितना होएगा। अगर 26 जुलाई कभी हो गया तो हॉस्पिटल में से पेशेंट आप एडमिट करोगे या हॉस्पिटल से पेशेंट आप ट्रांसफर करोगे, वो एक लो लाइंग एरिया है। आप मुमरा का रोड और एक हॉस्पिटल दोनों में आप फर्क देख लो, वो एक लो लाइंग एरिया है, और ऊपर से पहले जब वो हॉस्पिटल बन रहा था तो आजू बाजू का इलाका खाली था, वहां 10 से 12 फुट खड्डा था जहां घास उगा करता था, तो पानी जो खाड़ी का आता था वो उसमें कवर हो जाता था। मगर अभी बिल्डर लॉबी और लैंड माफिया आप जो भी बोलोगे, उन्होंने आजू बाजू की पूरी जगह ले लिया है और उधर उन्होंने लेवल कर दिया है। अब जब 12-12 फुट की भरनी हुई है तो खाड़ी का जो पानी आएगा तो वो तो अपनी जगह पर ना आएगा, वो थोड़ी देखेगा अरे भाई इधर बिल्डिंग है, इधर लोग रह रहे, चलो भाई यहां से नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे से जाएंगे, पानी तो वो रहे सोचेगा ना, वो तो अपनी जगह बनाएगा बनाएगा। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, ये ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरह से यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उनका कहना है कि शहर में तो ऑपोजिशन है ही। देखो ऑपोजिशन तो सब जगह है, मैं शहर की छोड़ दो पूरे इंडिया में ऑपोजिशन है। राहुल गांधी साहब बैठे वो भी ऑपोजिशन के तौर पे बैठे, भले उनके पास सिर्फ 90 MLA MP थे, ऑपोजिशन है। हमारे पास एक ये है नगर सेवक है, तो हमारा नगर सेवक ऑपोजिशन के ताल्लुक से करता है, बाकी हम जो है ऑपोजिशन के ताल्लुक से सिर्फ सवाल कर सकते, हम जो है ऑपोजिशन के ताल्लुक से सत्ताधारी से सवाल करके हम अपने कामों की मांगे कर सकते, हम जाके मंत्रालय और महासभा में बैठ के अपना काम पूरा नहीं कर सकते। फंड्स किसको आता है, ऑपोजिशन को आता है? नहीं, फंड्स आता है सत्ताधारी को, तो काम कौन करेगा? सत्ताधारी। हमारा काम है कि मुमरा जैसे इलाके के अंदर क्या सही है क्या गलत है वो उजागर करना। फंड आता है, हम काम भी करते हैं, लेकिन जो दो चार लोग अपोजिशन में है ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, फंड आया ना, हम कहां मना करते, फंड नहीं आया, 108 करोड़ आया ना, नहीं आप लोग व्हाट्सएप खेल रहे, मैं बोल रहा हूं फंड आया ना, 108 करोड़ आया ना, तो काम देख लो ना, फंड आया 108 करोड़ आया, काम देख लो, मैं कहां मना करता। मुमरा के अंदर एक गार्डन नहीं है, आप अपोजिशन की बात करते हो, मैं अपोजिशन हूं, मुमरा के अंदर एक गार्डन नहीं है, मैंने हजारों कंप्लेंट्स किया हूं, और रिजर्व प्लॉट से गार्डन का रिजर्व प्लॉट से उनका नक्शा 7-12 वगैरह वगैरह सब कलेक्टर से लेके मिनिस्टर से लेके सबको भेजा हूं मैंने कि भाई ये गार्डन की जगह है, रिजर्व है, इधर हमको गार्डन दो, हमारे बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है,
मगर वो किधर पड़ा है? रद्दी में। 2011-12 के अंदर जब हमारा ये सबसे पहला मसला आया था रोड का, ट्रैफिक जाम का, उस वक्त मेरे कंप्लेंट से बाकायदा प्लान के साथ, नक्शे के साथ, मैं बता दूं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, बी सिविल हूँ, तो मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है, किधर क्या अच्छा बुरा करना है, मैं समझता हूँ सिविल के मैटर में, तो समझता हूँ मैं। तो मैंने नक्शे के साथ ऊपर से लेके नीचे तक दिया था, MMRDA वगैरह सबको कंप्लेंट किया था कि आप ब्रिज बनाओ, जैसे मीना थाई टावर चौक से लेके घोड़बंदर तक बनाए, बाद में उधर से कनेक्टिविटी कोर्ट नाके तक आए, सिंगल लेन, एक रिक्शा और एक बाइक फोर व्हीलर ऐसा जाएगा आने जाने के लिए। अगर वो चीज मुमरा के अंदर बन गया होता तो मेरे ख्याल से रोड इतना खर्चा नहीं जाता जितना ये लोग है, रोड बिल्डिंग, हाँ, बाइकिंग नहीं जाता, लोग जो है बर्बाद नहीं होते, लोगों का घर बर्बाद नहीं होता, लोगों की दुकानें नहीं टूटती। नौपाड़ा में क्यों नहीं टूटा गया दुकान, मुमरा में क्यों तोड़ा गया दुकान? नौपाड़ा में तो ट्रैफिक होता था, उधर ब्रिज का प्रपोजल आ गया, मुमरा में ट्रैफिक होता तो दुकानें तोड़ दो, मतलब लोगों को बेघर कर दो, लोगों को मतलब कमाने का रास्ता ही बंद कर दो। आप भी इधर एक ब्रिज कर, तो हमने किया था ना कंप्लेंट, अपोजिशन के नाते ही ना मैंने कंप्लेंट किया था, किधर है? रद्दी में पड़ा है। देखो, अपोजिशन के नाते जब मैं किसी सरकारी ऑफिसर को किसी प्रपोजल देता हूं, प्रपोजल दूंगा या कंप्लेंट दूंगा, तो वो सिर्फ सरकारी अधिकारी और मैं जानता हूं कि भाई आरिफ इराकी का ये कंप्लेंट आया है, ये प्रपोजल है, ठीक है, ये साइड में रख दो, रखा क्यों? मैं सत्ते में नहीं हूं, अपोजिशन में, हमारी गिनती नहीं है, सबसे पहली बात है हमारी गिनती नहीं है। ये लोकल, ये जो मीडिया है ना, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप, ये इतना बड़ी हो, बड़ी चीज हो गई ना आज की तारीख में, कि अगर तुमको कोई चीज करना है, आप अगर उसको फेसबुक व्हाट्सएप पे करते हो तो वो जो ट्रेंड चलता है, ट्विटर पे जो ट्रेंड चलता है, फेसबुक पे जो फॉलोअर्स होते हैं, शेयर होते हैं, जो लोग देखते हैं, वो देखने से प्रशासन, जो सत्ताधारी पार्टी और जो ये है क्या बोलते हैं प्रशासन, उनके कान में जाता है कि भाई इतने लोग उसके खिलाफ बोल रहे, तो हमको वो करना है, तो अपोजिशन वही काम कर रही है। जिस तरह से अभी टोरेंट का मुद्दा है, लगातार अपोजिशन भी इसका विरोध कर रही थी, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भी देखा गया कि विरोध कर रही थी इसका, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि टोरेंट मुमरा में चार्ज संभाल लिया। और अब इस वक्त ऐसा हाल है मुमरा का कि बिजली नहीं है, पूरा शहर अंधेरे में है, लोग काफी परेशान। शुरू में सबसे पहले जितना तक मैं जानता हूँ, एक विरोधी होने के नाते, अपोजिशन होने के नाते, कि इसका विरोध शुरू में हमने शुरू किया, ऑपोजिशन ने ही इसका विरोध चालू किया है। सबसे पहले हमारे कई भाई है जो यहाँ से पैदल गए हैं मी मुमरे करके बैनर पे, ऑपोजिशन ही भूख हड़ताल पे बैठा था, MIM पार्टी भूख आंदोलन पे बैठी थी, बाकायदा डेलीगेशन गए हैं, पालक मंत्री के पास डेलीगेशन गए हैं, ऊर्जा मंत्री के पास डेलीगेशन गए हैं, अजीत पवार साहब के पास डेलीगेशन गए हैं, सबके पास, ये ऑपोजिशन ही गया था डेलीगेशन लेके सब जगह। हमने तो उसका शुरू से विरोध किया है, क्योंकि भिवंडी का हाल हम देख रहे, तो हमारा काम है विरोधी करना। हम तो आखिर फिर टोरेंट यहाँ आने का असली जिम्मेदार कौन? सत्ताधारी। अब ये सत्ताधारी बोलते बीजेपी, हमको नहीं लगता बीजेपी, क्योंकि टोरेंट जो मुमरा में आई है वो इनके सत्ते, महाविकास आघाड़ी के सत्ते में आई है। इसने जो चार्ज लिया फरवरी में लिया है, महाविकास आघाड़ी के सत्ते में ही इसने चार्ज लिया है। चाहता तो बीजेपी के पीरियड में चार्ज ले सकता था, वो क्यों नहीं लिया बीजेपी के पीरियड में? उस वक्त उसको रोक दिया गया था, इलेक्शन था, रोक दिया गया था, इलेक्शन के बाद फटक करके आ गया। इसके खिलाफ चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पास करके कुछ भी करके, मुमरा में गरीब लोग रहते भाई, मुमरा में जो 70-80% लोग है ना, वो गरीब है, वो डेली वेजिस वाले है, जो सवेरे घर से निकलेंगे, काम पे जाएंगे, 100-200-500 कमा के लाएंगे, घर में अपने बीवी बच्चों का चूल्हा जलाएंगे और खाएंगे। अब उनके ऊपर जो ये बोझ आएगा तो ये गरीब नहीं भर पाएंगे। इधर सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुमरा वालों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे थे या है उनमें जो सोर्स ऑफ इनकम है वो, बाकी सब जो है बंबई इधर उधर नौकरी पे जाते हैं। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बोल के कोई नहीं चीज, एक स्लॉटर हाउस आ रहा था वो भी खत्म कर दिया गया, एक स्लॉटर हाउस जो आ रहा था वो भी खत्म, एक सोर्स ऑफ इनकम था जहां हमारे 10-15 हजार लोग मुमरा के काम पे लगते थे, खत्म कर दिया गया। सत्ताधारी पार्टी बोले मिलेगा स्लॉटर हाउस, अरे आज मेरे को जरूरत है, मिलेगा तो क्या इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के लिए रखे हो आप? इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के लिए रखे हो कि इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के अंदर स्लॉटर हाउस फिर से डालेंगे? 2000 पहले इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ भाई, उनका कोई बुक है? वो बुक के अंदर स्लॉटर हाउस ये वो, अरे सब एक साथ कर दो ना, आप तो सत्ते में हो, आपको पैसे की क्या कर रहे? सत्ते में रहने, जो सत्ते में रहता है उसको पैसे की कमी नहीं रहती,
आप फंड मांगो, स्टेट आपको फंड देगी, हमको हमारी जरूरत पूरा कर दो। आज 11 करोड़ रुपया नाले सफाई में लग गए, नाले बनाने में नहीं, तभी नाले वैसे के वैसे ही है, आप जाके देख सकते हो, आपका मेरे ख्याल से न्यूज भी चला है, नाले वैसे के वैसे ही है। किधर है, सिर्फ रोड चौड़ा कर देना, रोड कॉन्क्रीट कर देना, डेवलपमेंट नहीं है। आप मेरे को बताओ ना, पहले जब क्या हुआ, स्टार्ट में जब महानगर पालिका के हाथ में सफाई थी, तब डेली रोड, अंदर के रोड वगैरह सब साफ होते थे, क्रिस्टल को दिया गया सफाई, मुमरा वाले खुद देखे, मैं नहीं देख रहा, मैं तो देखता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके ये न्यूज चैनल के माध्यम से जो जो ये न्यूज देख रहा है वो उतर के अपने आजू बाजू का रोड देख ले और कितनी सफाई है वो देख ले, और 2 साल पहले क्रिस्टल के आने से पहले वो रोड देख ले कितनी सफाई थी वो देख लो। बीमारी फैल रही है, अब COVID-19 का जो चल रहा है चल रहा है, मगर आप अगर हॉस्पिटल, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर आप जाके जायजा लेंगे, हाँ, तो कोविड नहीं है उसमें, मगर हॉस्पिटल फुल है, कोविड पेशेंट नहीं है। रहमानिया में कोविड पेशेंट है नहीं है, मगर हॉस्पिटल फुल है। बिलाल में कोविड पेशेंट है नहीं है, मगर हॉस्पिटल फुल है। बुरहानी में कोविड पेशेंट है नहीं है, हॉस्पिटल फुल है। तो ये कोविड तो है ही, प्लस टाइफाइड, निमोनिया, जॉन्डिस, ये जो बीमारियां चल रही है साथ में, ये तकलीफ दे रही है हमको, ये हमको तकलीफ दे रही है। टाइफाइड गंदे पानी पीने से हो रहा है, मतलब मुंबई के अंदर गंदा पानी आ रहा है। इसके पहले भी मैंने लाइव दिया था, मैंने प्रशासन से गुजारिश की थी कि मुमरा के अंदर गंदा पानी आ रहा है, कोविड एक अलग हो गया, मगर टाइफाइड जॉन्डिस से जो हॉस्पिटल भरा हुआ है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दो। मुमरा में गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी के लिए कुछ करो। तो हमने, हमारा विरोध जो था ऑपोजिशन होने के नाते, हमने बोल दिया कि भाई ये चीज हो रहा है, अब सत्ताधारी जो है वो जाके बात करे और सही करके ले। विरोध तो हमारा काम है, ऑपोजिशन होने के नाते हम सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहे। टोरेंट के मामले में आप लोग कोर्ट जाने वाले हैं क्या इस मुद्दे पर? इंशाल्लाह बात चालू है, अगर हमारा हो गया तो हम कोर्ट जाने की तैयारी में है पूरा, और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो कैसा है, स्टार्ट में हमको मालूम था कि बहुत तकलीफें होने वाली है, और ये रमजान से, जब से टोरेंट आया रमजान से, हमने नहीं मगर लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या तकलीफ होने वाली है। कॉल सेंटर नंबर है, जब इनकी लाइट जाती है तो इनके कॉल सेंटर नंबर बिजी हो जाते हैं। बीच में लाइट नहीं था अपने यहाँ, हमारे इलाके में लाइट नहीं था, करीबन 7 से 8 घंटा लाइट नहीं था। रेगुलर फोन किया, आज मोबाइल के अंदर वो है, मैंने 27 फोन किया मगर वो कॉल सेंटर उनका बिजी आ रहा है, 27 फोन किया बिजी आ रहा है। MSDCL बिजी नहीं आता था और MSDCL जवाब देता था, इनको मालूम नहीं मेरा कंज्यूमर नंबर ले रहे, मेरा कंज्यूमर नंबर है आप देख लो आके, कंज्यूमर नंबर लेने से क्या मतलब है, आप कंज्यूमर नंबर देख लो अपना, इनको फॉल्ट नहीं मिल रहा है, इनको काम करने का तरीका नहीं है। अरे हेलमेट पहन लेने से काम नहीं है, हमारे MSCB के वायरमैन थे, चालू लाइन ज्वाइन करते थे भाई, इनको पहले पूरी लाइन बंद करनी पड़ती है उसके बाद इनको कनेक्शन मारना पड़ रहा है। मगर मैंने देखा हूं हमारे सामने MSCB के जो लेबर्स थे वो चालू लाइन ज्वाइन मारते थे और अच्छे से मारते थे, ये आज बना के गए आधे घंटे बाद फिर उड़ जाता है, तो क्या ये बिल कम नहीं होएगा? बिल तो वही देंगे, अप्रोक्सीमेट दे रहे, मेरे ख्याल से ये लाइट काटने का इनका ऐसा है कि भाई देखो अभी तो अप्रोक्सीमेट दे रहे, कुछ रिकवरी हो रही नहीं अपनी, कोई पैसा भर रहा नहीं है, गवर्नमेंट ने भी उसको माफ कर दिया है। हाँ, अरे माफ नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप बाद में भरो, तो रिकवरी हो रही नहीं है, तो लाइट कटिंग वटिंग करके बोले जो है कम लाइट दो, ताकि मतलब अपने को सामने जो गवर्नमेंट को पैसा भरने आएगा वो अपने को कम भरने आए, ये तो कहीं उनका नहीं चल रहा, मेरे को लग रहा है यही लग रहा है मुमरा के माहौल और मसले के सिलसिले में जो आपसे बोला हूं मैंने। मगर मेरी एक गुजारिश है प्रशासन से, सीएम से बोलो, डिप्टी सीएम से बोलो, होम मिनिस्टर से बोलो, कलेक्टर से बोलो, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर से, कि मुमरा एक बहुत गरीब तालुका है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, डेली वेजेस वाले, डेली कमाने वाले 10% खाली अमीर है, बाकी 90% जो है वो जो है एक मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास मतलब उनका ऐसा है कि महीना भर कमाएंगे तो फिर राशन भरेंगे, अपना घर चलाएंगे, और ये जो 2.5 से 3 महीना लॉकडाउन गया है, यहाँ लोग बहुत ही परेशानी में अपना घर निकल चलाए हैं और इस वक्त भी बहुत परेशान है। तो मेरा ये प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप 6 महीने का लाइट बिल माफ करो, 6 महीने का टैक्स माफ करो, म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो है वो माफ करो, और 6 महीने का पानी का बिल, प्लस जो एडुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल्स है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आज का माहौल जो है लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी तक उनके पास जो भी सेविंग थे लॉकडाउन के अंदर उनका सेविंग्स खत्म हो गया, बच्चों के स्कूल की फीस भरने में उनको तकलीफ होगी, बुक्स खरीदने तकलीफ होगी सब, तो आप उनको कोऑपरेट करो, हो सके इस साल
आप कोविड की वजह से जो तकलीफें आई हैं उनको देख के आप अपने स्कूल की फीस भी जो है 3-4-5-6 महीना जो है माफ करने के सोचो। इसमें सोचने से हो सके आप रिलीफ में अगर काम नहीं किया हो तो ये भी एक तरीके का रिलीफ है, एक रिक्वेस्ट है, इस पे गौर कीजिए। ये ऑपोजिशन होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, अब इस पे देखते सत्ताधारी क्या करता है। तो आप सुना जिस तरह से आरिफ इराकी का कहना है कि 108 करोड़ रुपए की लागत से मुमरा में जो टीएमसी का हॉस्पिटल बन रहा है वो करीब 2008 या 10 से ही इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, लेकिन अभी तक ये अस्पताल आधा अधूरा ही लटका हुआ है और जिसकी मुमरा शहर को काफी जरूरत थी। एक बात और आपको बता दें कि मुमरा शहर में अस्पताल की काफी कमी होने की वजह से कलवा जाने के दौरान इस लॉकडाउन में मुमरा शहर के लोगों को पुलिस की लाठियों का भी शिकार होना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा टोरेंट का भी है, जिस तरह से टोरेंट मुमरा शहर में पूरी तरह से फेल होते नजर आ रही है, वही जो आरिफ इराकी है उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।